डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, क्लास 10th में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 12.3 का 11 नंबर क्वेश्चन तक के पढ़ा था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। हालांकि 12 का हम फिगर पहले से ड्रॉ कर लिए हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन आप देखिए, आकृति 12.30 आकृति है। ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखिए ओ ए सी बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब जानते हैं, थीटा कितना डिग्री होता है चतुर्थांश में? 90 डिग्री। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, O से लेके D तक की दूरी हम लोगों का कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये फिगर को हम कॉपी पे बनाए हुए हैं, सेम फिगर है। आप इसको थोड़ा सा पेंसिल से अच्छे ढंग से बनाइएगा, मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ओ ए सी बी एक तरह का चतुर्थांश है, ठीक है। और इस चतुर्थांश में थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और इससे त्रिज्या हम लोगों को दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या का मतलब ओ से लेकर बी तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर और ओ से लेकर डी तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ से लेकर डी तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। दोस्त, ये जो हम लोगों का चतुर्थांश बन रहा है, इसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ है। थीटा कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री। OD का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हमें निकालना है और इसमें दो दो क्वेश्चन है। आप देखिए, पहला बोल रहा है चतुर्थांश OACB का निकालने के लिए और दूसरा है छायांकित भाग का निकालने के लिए। तो चतुर्थांश OACB जब चतुर्थांश बोलता है तो थीटा कितना डिग्री हम लोग यूज करते हैं? 90 डिग्री। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन में व्हाट यहाँ पे लिखा हुआ है, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। देखिए OACB एक तरह का चतुर्थांश है, तो इसमें हम लोग लगाते हैं त्रिज्यखंड का फार्मूला, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है भाई? थीटा तो हम लोगों को 90 डिग्री है। 90 बटा 360 गुने पाई के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि अगर 3.14 बोलेगा तभी 3.14 रखना है, नहीं तो हम लोग कितना रख सकते भाई? 22/7। और R का स्क्वायर, तो R त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर किया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 से 10 कट रहा, 9 चौका 36 कट रहा, तो 22/4 गुना 7 गुना 3.5 को 3.5 दो बार लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो। और ये पॉइंट हटा तो नीचे 10 और ये पॉइंट हटा तो नीचे 10। अब 7 से 5 बार में 7 पंचे 35 और 5 दूना का 10 और 2 से ये 2 कैंसिल, तो 35/ कितना हो गया? 40। 35/40। अब 35/40 बच रहा है क्योंकि ऊपर में तो 35 35 10 चौका 40। अब हम लोग देख पा रहे होंगे ये 7 25 35 कटता है और 5 8 40 यानी कि 7/8 यानी कि 7 से 8 में डिवाइड कर लीजिए, 8 से 7 में 0 देंगे तो 70, 8 7 56 68 64 सॉरी 8 बार में लगेगा तो यहाँ हो गया 6 फिर 0 8 7 56 फिर 4 फिर 0 8 5 40। तो इसको डिवाइड करने पे कितना आ गया भाई? 0.875 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला जा रहा है भाई, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दूसरा में है,
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो पूरा जो ये चतुर्थांश जिसको बोल रहे हैं ओ ए सी बी, जिसको चतुर्थांश बोल रहे हैं, उसमें से हम लोग इस त्रिभुज को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। कौन सा त्रिभुज भाई, ओ बी डी, एक तरह का त्रिभुज बन रहे हैं। इस त्रिभुज को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो इस त्रिभुज को अगर घटा लेंगे हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ से निकल जाएगा चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल कितना आया अभी तक, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, तो 9 चौका 36 22, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 22 है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा गया था, सॉरी 90 में 4 बार में कटा, 9 चौका 36, यहाँ ऊपर 22 बचता ना, 22 बट्टा 4 गुना 7, तो ये कैलकुलेशन गलत है। आप ना इसको अच्छा से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे 22 रखना है। ठीक है, ये वाला 22 रखेंगे, फिर 4 और 7 रहेगा, और फिर यहाँ पे रहेगा 3.5 3.5, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक 2 लिखा गया था, इसके वजह से हम लोगों का गड़बड़ रिजल्ट आ गया, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, तो चतुर्थांश, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, देख रहे हैं ओ ए सी बी, टोटल में से इस त्रिभुज वाला को घटा लेंगे, माइनस त्रिभुज कौन सा, ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश ओ ए सी बी वाला यहाँ जितना आएगा उसको यहाँ रख देना है और माइनस कर देना है। ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसका फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार के जगह पर रखिएगा 3.5 और ऊंचाई के जगह पर रखिएगा 2, क्योंकि 2 ही तक ना ऊंचा गया है, तो इसका जितना आया है, ठीक है, माइनस 1/2 गुने आधार 3.5 और ऊंचाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू में से इसको घटा लेंगे तो दूसरा वाला का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का कंप्लीट होगा। यहाँ पे माइनर मिस्टेक हुआ, गलती से 2 लिखा गया, इसके वजह से हम लोगों का कैलकुलेशन गलत हो गया, आप यहाँ पे ना 22 कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, पहले बुक के क्वेश्चंस को दिखा दे जरा। लिखा हुआ है 12.31 यानी कि 3x में, तो 12.31 आकृति यही है। एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, देखिए एक चतुर्थांश है, और जब भी चतुर्थांश बोले ना, थीटा हमेशा कितना डिग्री होनी चाहिए, 90 डिग्री। अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है भाई, ओ ए बी सी, देख लो ओ ए बी सी एक क्या है, वर्ग है। वर्ग मतलब जिसका सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग है। ओ ए का वैल्यू हम लोगों को दिया है कितना भाई, 20 सेंटीमीटर। ओ ए का वैल्यू कितना दिया है, ये वाला 20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, अब के बार में पाई कितना लेना है, 3.14 लेना है। चलिए अब सब सवाल को समझते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ये देखिए हम लोगों को फिगर है क्वेश्चन नंबर 13 में, ओ पी बी क्यू एक क्या है, चतुर्थांश है। ये चतुर्थांश मतलब टोटल, तो इस चतुर्थांश के लिए थीटा कितना यूज करेंगे, 90। ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या है, एक वर्ग है। तो एक वर्ग है तो हम बोल सकते हैं कि चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, यानी कि भुजा हम लोगों को दिया है वर्ग की 20 सेंटीमीटर, यानी 20 यहां से सिर्फ यहां तक है। क्लियर, अब हमको पाई का वैल्यू इस सवाल में हम लोगों को यूज जो करना है 3.14 करना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आप देखो, आप बढ़िया से सोच रहे होगे कि सर ये छायांकित भाग तो दो ही जगह है, क्यों ना हम पूरा चतुर्थांश का, या बोलो त्रिज्यखंड में से अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा लें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आखिर इसमें त्रिज्या का मान तो दिया नहीं हुआ, हमको तो सिर्फ यहां से यहां तक 20 दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका त्रिज्या निकालने के लिए
वर्ग का विकर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें त्रिज्या तो नहीं दिया था। तो आप चतुर्थांश बोलिए चाहे त्रिज्यखंड बोलिए, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है ना फार्मूला, तो वहाँ पे आर के जगह पे आप क्या पुट करेंगे? ये तो वर्ग की भुजा हम लोगों को 20 दिया हुआ है, तो सबसे पहले टोटल निकालने के लिए तो त्रिज्या जरूरत है। ओ से लेकर पी तक, चाहे ओ से लेकर बी तक या ओ से लेकर क्यू तक बोलिए, ये सब क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, तो हमको त्रिज्या निकालना होगा। तो इसी त्रिज्या के लिए हम वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण होता है फार्मूला रूट टू गुना में भुजा, ठीक है। तो यानी कि भुजा हो गया हम लोगों को 20 रूट टू सेंटीमीटर, यानी कि अब पता चल गया कि इसका त्रिज्या कितना हो गया, 20 रूट टू सेंटीमीटर त्रिज्या पता चल गया। यानी कि इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर बराबर कितना लेना है, 20 रूट टू। अब आप सही सोच पा रहे हैं, आप करेंगे क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? तो चतुर्थांश, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग, कौन वर्ग? ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। अब यहाँ से चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का फार्मूला क्या? तो थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई गुने आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होगा। अब थीटा कितना? 90 बट्टा 360 गुने पाई के जगह पे रखना है 3.14 आर का स्क्वायर। तो भाई देख लो, 20 रूट टू का क्या करना है? स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 चौके 36, 1/4 गुने 3.14 गुने 20 रूट टू का, तो 20 रूट टू गुना में 20 रूट टू माइनस 20 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 400, ठीक है, 3.14 गुने 20, 20 से कितना हो गया? 400, ठीक है, 400 और रूट टू, रूट टू मिलकर कितना हुआ? 2। तो ये 20 गुना 20 तो हो गया 400 ना। अब ये रूट टू, रूट टू मिलकर, हम आपको पहले ही बताए भाई कि रूट पांच और रूट पांच गुना में रहेगा तो उसको खाली 5 समझना है, ठीक है। रूट आठ अगर रहेगा, रूट आठ से गुना होगा तो खाली 8 समझना है। उसी तरीके से रूट 20 गुना करेंगे तो 400 और रूट टू मिलकर 2 हुआ, तो 4 दोनों के डायरेक्ट कर लेते हैं इसको 800, और बट्टा में कितना? नीचे 4 है तो 4 से ये काट दीजिए 200। तो 200 को 3.14 में गुना कर देना है और फिर जो आएगा उसमें से 400 घटा देना है और जो फिर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत इजी वे में क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नो डाउट यहाँ पे कैलकुलेशन है, गुना भागा थोड़ा सा पॉइंट में ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन का बात किया जाए तो बहुत इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि जब छायांकित बोल रहा है तो किस में से किसको घटाना होगा भाई, किस में से किसको जोड़ना होगा, और जब घटाने के लिए हमको यहाँ पे त्रिज्या नहीं था तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो कुल मिलाकर इस बड़े वाले जो वृत्त है, त्रिज्यखंड बोल रहे हैं जिसको चतुर्थांश बोल रहे हैं, उसका त्रिज्या हम लोग इसकी सहायता से निकाल लिए फार्मूला की सहायता से, जो वर्ग का विकर्ण होता है। चलिए फिर 13 नंबर के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं। 14 नंबर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्त के क्रमशः दो चाप हैं। देख लो, एक वृत्त का केंद्र है 12.32, फिगर देखने के लिए बोला जा रहा है तो हम इस फिगर को देखेंगे। ओ वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त के केंद्र से एक वो छोटा वृत्त खींचा गया है सी डी, ठीक है, और एक बड़ा वृत्त है जिसको ए बी बोला जा रहा है, यानी कि यहां से कितनी वृत्तें खींची गई हैं भाई? दो वृत्तें खींची गई हैं, एक बड़ा वाला ए बी और एक छोटा वाला सी डी। तो जो छोटा वाला वृत्त खींचा गया है उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वाला खींचा गया है उसका कितना है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है,
ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। और ए ओ बी एंगल, एंगल यानी कि कोण, ए ओ बी का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल वे में कर लेंगे हम लोग भाई, यहाँ से तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्यखंड दिख रहा है, बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड में से अगर छोटे वाला त्रिज्यखंड को घटा लेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा, दोनों में ही थीटा कितना रखेंगे, 30 डिग्री, और बड़े वाला में त्रिज्या रखेंगे 21 और छोटे वाले त्रिज्या में रखेंगे 7। चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं हिंट्स के तौर पे। दोस्तों ये एक फिगर है आपका, ठीक है, यहाँ पे थीटा हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 है, थीटा 30 डिग्री है। तो आपको बोल रहा है छायांकित भाग का निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड, यानी बड़ा वृत्त कौन है यहाँ पे, ए बी, बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड में से घटा देना है किसका, छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड, समझ रहे हैं ना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को, का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो बड़े वृत्त के लिए भी आएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और माइनस छोटा के लिए भी तो उतना ही होगा ना भाई, पाई आर स्क्वायर, लेकिन थीटा के जगह पे भी इसमें भी 30/360 गुने पाई के जगह पे कुछ नहीं बोला, 22/7। लेकिन दोस्तों इस आर के जगह पे जब बड़ा वाला त्रिज्या ले रहे हैं, बड़ा वाला वृत्त ले रहे हैं, तो उसके लिए त्रिज्या 21 है, तो 21 का स्क्वायर कर लेंगे थीटा के जगह पे, तो दोनों ही केस में, क्योंकि यही ना एंगल से छोटा वाला वृत्त भी घिरा हुआ है, बड़ा वाला वृत्त भी घिरा हुआ है, तो 30/360 गुने पाई गुने आर, तो छोटा है तो 7 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, और करके बस घटा लेना है। इस तरीके से जितना भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर मैच करेगा बुक के आंसर से। तो कुल मिलाकर इसमें भी 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, और फिर हम लोग न्यू चैप्टर में हम लोग मैथमेटिक्स में भी इन करने वाले हैं, मात्र और मात्र 2 क्वेश्चन को करने से। अगर दोस्त आपको अगर आगे के क्वेश्चंस भी कुछ समझ में आते हैं कि कैसे करना है, तो आप खुद से भी ट्राई करना है, अगर नहीं तो फिर हम अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन देंगे ही देंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, और आप खुश रहो, मस्त रहो, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।